फिर से आप सबों को परमेश्वर के भवन में स्वागत करती हूँ। और हम परमेश्वर के वचन से हम थोड़े समय के लिए हम सीखेंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वचन ले करके आई हूँ, और मैं आज का जो वचन है उसका शीर्षक मैं चुनी हूँ, इसराइल राज्य के दो भाग हो जाना। इसराइल राज्य का दो भाग हो जाना। यहाँ पर हम देखते हैं राजा सुलेमान के बारे में, दाऊद का बेटा राजा सुलेमान। और परमेश्वर दाऊद के साथ रहा, उसकी अगुवाई की, और दाऊद परमेश्वर की हर आज्ञाओं का पालन किया, उसकी विधियों को माना, उसकी इच्छाओं पर चला। और इस रीति से परमेश्वर दाऊद के साथ बहुत ही खुश था। और जब दाऊद की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा जो सुलेमान है उसके स्थान पर राज्य करता है। और हम देखते हैं कि सुलेमान राजा परमेश्वर से बुद्धि मांगता है और परमेश्वर उसको बुद्धि देता है। और इस रीति से परमेश्वर उसको बहुत ही, उसका नाम पूरे जगत में उसका नाम प्रचार होता है। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि सुलेमान बहुत ही बुद्धिमान राजा है, और बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट इनाम ले लेकर के आते हैं। और इस तरह से उसका नाम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आगे चल करके हम राजा सुलेमान के बारे में हम सीखेंगे कि वो फिरौन की बेटी से शादी कर लेता है, और उसके बाद बहुत सारी पराए स्त्रियों को जो मुआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, और इन स्त्रियों से बोलता है कि उनसे प्रीति में सुलेमान लिप्त हो जाता है। और वे उन जातियों की थी जिनके विषय में परमेश्वर यहोवा ने इसराइलियों से कहा था, तुम उनके बीच में ना जाना और ना वे तुम्हारे बीच आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर लगाएंगी। इसलिए परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन हम सुलेमान राजा के बारे हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन किया। और वो क्या करता है, सारे अन्य जाति स्त्रियों से वो उनको अपनी पत्नियां बना लेता है। और हम जब आगे देखते हैं तो राजा सुलेमान की 700 रानियां थीं, 300 रखेलियां थीं, और बोलते इन स्त्रियों ने राजा सुलेमान का मन को बहका देते हैं। और सुलेमान सीदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों की मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। और इस प्रकार से सुलेमान वह काम किया जो परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में बुरा है। और उसने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कामोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाता है। और वहाँ पर बोलता है अपनी सब पराई स्त्रियों के लिए, सब अन्य जाति स्त्रियों के लिए जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और उनका बलिदान करती थी। और बोलता है कि और इस तरह से राजा सुलेमान भी उनके साथ ऐसा ही किया। और इसलिए परमेश्वर यहोवा सुलेमान पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। और फिर परमेश्वर ने सुलेमान
को दर्शन में कहा था कि और आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे कभी ना होना, लेकिन उनसे उसने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना और वो पराए स्त्रियों को भी ले आया और पराए देवताओं का भी वो पीछे चल पड़ा और साथ में उनके साथ वो उपासना करना भी शुरू किया। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझ से छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। मैं अपने दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद जो शिलोवासी अहिया था, जो रास्ते से वो जा रहा था, जो परमेश्वर का वो नबी था और वो अपने साथ एक नई चादर लेकर के वो मार्ग पर चला जा रहा था, और जैसे वो जा रहा था तो रास्ते में उसको यरोबाम मिलता है जो सुलेमान का कर्मचारी था, और जब उससे वो मिलता है तो यरोबाम के सामने अहिया नबी अपना जो नई चादर वो लिया हुआ था उसको 12 टुकड़ों में फाड़ देता है, और जब 12 टुकड़े किए और फिर उसने क्या किया, उसमें से 12 टुकड़ों में से 10 टुकड़ा वो यरोबाम को देता है और बोलता है कि सुन, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है उसका एक गोत्र बना रहेगा। तो यहाँ देखते हैं कि वो 12 टुकड़े किए थे उस नई चादर का और उसमें से 10 टुकड़े उसने यरोबाम को दे देता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ ये जो 10 गोत्र हैं वो कर देते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि जो दाऊद राजा जो मेरे इच्छा के अनुसार चलता था उसके कारण मैं सारा राज्य तो छीनूंगा नहीं, पर उसके कारण एक गोत्र उसके बेटे के हाथ में छोड़ दूंगा। और फिर बोलता है इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, मेरी विधियों और नियमों को उन्होंने नहीं माना जैसे कि उसके पिता दाऊद ने किया था। यहाँ पर सुलेमान के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि सुलेमान को दाऊद की तरह वो परमेश्वर के साथ साथ चलना था, उसकी हर आज्ञाओं को मानना था, उसकी विधियों को पालन करना था, लेकिन आगे चलकर सुलेमान क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया और अन्य देवी देवताओं की उसने उपासना करना शुरू कर दिया और इस रीति से परमेश्वर ने उसके हाथ से 10 गोत्र छीन करके सुलेमान का जो कर्मचारी था उसके हाथ में दे देता है और इस तरह से इज़राइल राज्य दो भाग हो जाता है। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहुबियम उसके स्थान पर यहूदियों का राजा बना और यरोबाम इज़राइलियों का राजा बना। तो इस रीति से हम देखते हैं कि जो दो गोत्र थे यहूदा और उसके साथ बिन्यामीन, ये रहुबियम सुलेमान का जो बेटा था रहुबियम उसके साथ होकर के एक गोत्र बना यहूदी जो यहूदी कहलाए और जो 10 गोत्र थे वो इज़राइली कहलाए। और इस रीति से हम देखते हैं कि जो इज़राइल है, इज़राइल राज्य है, वो दो भागों में बढ़ जाता है और इस रीति से हम देखते हैं। लेकिन फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि जो इज़राइल के जो और भी जो राजा हुए
वे भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चले और इस रीति से ये सारे लोग परमेश्वर से दूर होते गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जब उनको आज्ञा दी थी और जैसा कि अन्य जाति लोगों के साथ ना उनके साथ खास करके परमेश्वर का जो आज्ञा था कि अन्य जातियों में से तुम कभी अपने लिए शादी ब्याह ना करना, ना वहाँ से तुम अपने बहुए ले आना, ना तुम अपने बेटियों को उनको देना, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो ये है उन देवी देवताओं के पीछे चलने में मजबूर कर देते हैं और इस रीति से वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो आज हमारे लिए भी यही शिक्षा है कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है ये, जिस रीति से सुलेमान के लिए था, इसराइलियों के लिए था, लेकिन आज हमारे लिए भी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अन्य जातियों के साथ अपना संबंध ना बनाए। हम भले उनके साथ हमारा बोल चाल, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो खास करके जो शादी ब्याह हम अन्य जातियों में ना दें और ना उनसे ले, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम भी क्या होते हैं, परमेश्वर के रास्ते में जो हमें स्थिरता से चलना है, विश्वासता कैसे चलना है, तो हम भी भटक जाएंगे और इस रीति से परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।